के उनके कहते हैं कि उनके घाव पर जले पर नमक छिड़कने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको तबाह करने का, बर्बाद करने का काम किया है। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद करने का काम किया, ये कहना है सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां का। और किस मौके पर? 2 अक्टूबर को सविता नाई श्रीवास्तव समाज के सम्मेलन में कार्यक्रम जनपद शाहजहांपुर के रौसर कोठी में जय मां दुर्गे मैरिज लॉन में सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खां की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सविता समाज के राष्ट्रीय सचिव अनुसूचित जाति व जनजाति के पूर्व सदस्य श्री संजय विद्यार्थी शामिल रहे। हालांकि सविता समाज के लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूल मालाएं बनवाई और फूल माला बनवाकर और उनका स्वागत किया गया। लेकिन इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष जमकर गरजे और क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से हम आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले वहां पर पहुंचे, उनके दुख को साझा किया और 20 लाख रुपए समाजवादी पार्टी की तरफ से देने का काम किया अखिलेश यादव जी ने। तो हमारे नेता सत्ता में ना होते हुए भी हम कहते हैं इंसानियत अगर सीखना है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों इंसानियत सीखो। इंसानियत सीखना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं खास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से सीखने का काम करो कि जहां पर भी कोई दुख की घड़ी आती है तो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले खड़े दिखाई देते हैं और दुख बांटने का काम करते हैं और मदद करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। लेकिन सत्ता में मौजूद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता और ये मुख्यमंत्री किसी का दुख दर्द बांटते नहीं, बल्कि दुख दर्द देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। बल्कि उनके कहते हैं कि उनके घाव पर जले पर नमक छिड़कने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको तबाह करने का, बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ ना कहकर इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग निकल जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में, जैसा कि आपने बताया है हमारे रामकुमार भोजवाल भाई बैठे हैं, हर समाज के लोग इस मंच पर बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग पूरी मेहनत से अगर एकजुट होकर पूरे एक साथ लामबंद होकर चल देंगे, ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे राठौर समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे भोजवाल समाज हो, चाहे हमारा ये हमारे साथ बैठे हैं सविता समाज हो, चाहे किसी समाज किसी वर्ग के पिछड़े समाज के लोग हो, अगर वो पूरी मेहनत के साथ लग जाएंगे, हर समाज का वोट हर विधानसभा में 8 सदस्य, चाहे हमारे कुशवाहा मौर्या समाज के लोग हो, 8-10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक वोट, उससे भी ज़्यादा वोट हर विधानसभा के अंदर है। अगर एकजुट होकर आप लोग एक साथ जुट के एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में चले गए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे दिया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता है। तभी ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी ये निकम्मी सरकार जड़ से उखाड़कर फेंक दी जाएगी। इसलिए साथियों, आपको मानकर चलना है, आपको पूरी मेहनत से लगना है। ये इनके पास एक ही कार्ड है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड ये खेलते हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पर जीरो है। बता दीजिए कितना विकास किया है आपके जनपद शाहजहांपुर में ही, नगर विधानसभा में आप देख लीजिए जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का दर्जा रखते हैं, दूसरे 8 बार लगातार विधायक रहे, नगर विधानसभा के अंदर आप बता दीजिए कौन सा बुनियादी काम भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री ने शाहजहांपुर के अंदर किया है, इन्होंने कोई काम ऐसा किया हो बुनियादी काम जिससे जनता का भला हुआ हो, बता दीजिए। शहर शाहजहांपुर के अंदर कोई काम नहीं किया और फिर भी बहकावे में लोग आ जाते हैं कि ना दिन के 12 बजे, हम तो कहते हैं दिन के 12 बजे उनको फोन करिए और रात के 12 बजे इस सिपाही समाजवादी के सिपाही तनवीर को फोन करिए, पता लग जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर गुमराह हो जाते हो, बहक जाते हो, तो इससे ज्यादा और क्या विश्वास आपको दिलाना पड़ेगा? और जहां भी आप देखते हो इससे ज्यादा विश्वास और क्या दिलाना पड़ेगा? कोरोना काल में
अभी कोरोना काल में हाल ही में या इससे पिछले वर्ष में बता दीजिए इन मंत्री जी ने शाहजहांपुर के अंदर कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को ऑक्सीजन दिलाई, कितने लोगों को बेड दिलाया। लोग तड़प तड़प के खत्म हो गए, उनको ना बेड मिल पाया ना ऑक्सीजन मिल पाई, लेकिन आपके इस भाई ने, इस भतीजे ने, इस बेटे ने शाहजहांपुर के अंदर घूम घूम कर, चाहे गमी हो गई हो तो शमशान पर भी दिखे होंगे, कब्रिस्तान पर भी दिखे होंगे, घरों पर भी जाके लोग दुख साझा करने का काम किया और ऑक्सीजन भी दिलवाने का, लड़ झड़ कर अधिकारियों से दिलाने का काम किया, और उसके बाद भी वो कुछ ना करें, केवल इस बात का घमंड है कि हम क्या हैं, हम वो हैं, वह हिंदू समाज के हैं, जब चुनाव आएगा तो हमें तो वोट मिल ही जाएगा। इस घमंड को जब तक आप नहीं तोड़ोगे तो ये घमंड नहीं टूटेगा, तो आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका जनपद शाहजहांपुर तरक्की खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा पाएगा। घमंड को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि हम सब समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग, हम सब लोग एक होकर, एकजुट होकर अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो जब ही हम लोग मुख्यमंत्री बना सकते हैं कि हर समाज, हर वर्ग के लोग एकजुट होकर जो उन्होंने काम किए हैं, हम वो सारी चीजें भुला दें कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, जो काम करेगा, जो बुरे वक्त पर साथ देगा वही हमारा भाई है, उसी भाई के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उसका साथ देने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा कोई भाई है, हमारा कोई काम करने वाला है, हमारे हर समाज को आगे बढ़ाने वाला है, तरक्की खुशहाली के रास्ते पर प्रदेश को ले जाने वाला है, तो वो है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, जिनको हम आगे बढ़ाने का काम करें सब एकजुट होकर। हम ये ना देखें कि प्रत्याशी हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, हमको ये देखना है कि जिसने हमारा साथ दिया है, जो हमारे वर्ग को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो भाईचारे मोहब्बत का पैगाम घर घर तक ले जाने का काम करता है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम उनको आगे बढ़ाएं और सारे लोग मिलकर, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, सिर्फ साइकिल वाला बटन देखे और आगे बढ़ाकर साइकिल वाला बटन दाबे, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी को मजबूत कर 2022 में अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाए और उनके कामों को, जो काम उन्होंने ऐतिहासिक अपनी सरकार में किए हैं, चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, चाहे किसान भाइयों का 50,000 कर्जा माफ करने की बात हो, 55 लाख समाजवादी पेंशन देने की बात हो, तमाम दबे कुचले बेसहारा लोगों की निजी फंड से मदद करने की, समाजवादी पार्टी के फंड से मदद करने की बात, ये सारी चीजें हम लोगों को जनता के बीच ले जाना है। लैपटॉप देना का देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कन्या विद्याहरण देने की बात हो, इतने काम है क्या आप सुबह से लेकर शाम तक और रात से सुबह तक गिनाएंगे, तो इतने काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं कि आप कामों को गिना नहीं पाएंगे। ये सारे काम बता दीजिए 100 डायल, वो भी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इसलिए साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि सिर्फ आने वाले चुनाव में 2022 के लिए अभी से लग जाइए, समाज को जागरूक कर दीजिए कि अगर कोई भी आपका हित कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके समाज को आगे बढ़ा सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी। इसके अलावा कोई नहीं, सब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस्तेमाल करके आपको किनारे लगा देते हैं, 4.5 साल के बाद उनको आपको याद आती है, फिर याद नहीं करते हैं। इसलिए हर वक्त याद रखने वाला, हर वक्त साथ चलने वाला, हर दुख सुख में साथ रहने वाला, उसका साथ देंगे तभी आपका प्रदेश, आपका शाहजहांपुर तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.